मॉडर्न टेक्नोलॉजी और टेलीस्कोप के आने से पहले हम इंसान सिर्फ कल्पना ही किया करते थे कि सौरमंडल के बाकी ग्रह कैसे दिखाई देते होंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी और हम इंसानों के अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि की वजह से आज हमारे पास सौरमंडल के हर ग्रह की बहुत ही क्लियर और चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। आज हम पृथ्वी पर बैठे बैठे ही अंतरिक्ष के दूर दराज इलाकों में बहुत आसानी से देख सकते हैं और यहाँ तक कि ये भी पता लगा सकते हैं कि उन ग्रहों के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सौरमंडल के हर एक मेंबर की सबसे अच्छी तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिसमें से कुछ तो ऐसी हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी पूरी तरीके से अचंभे में डाल दिया था। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सूर्य। सूर्य एक प्लाज्मा का गोला है जिसके अंदर बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा मौजूद है। यह ऊर्जा सूर्य के केंद्र में होने वाले फ्यूजन रिएक्शन की वजह से आती है। सूर्य हर सेकंड करीब 1 ट्रिलियन न्यूक्लियर बम बराबर एनर्जी को अंतरिक्ष में रिलीज करता है। यह ऐसा कई अरबों सालों से करता रहा है और आगे भी कई अरबों सालों तक ऐसे ही करता रहेगा। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का सबसे विशाल ऑब्जेक्ट है और पूरे सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान इसके अंदर ही मौजूद है। सूर्य की एक बहुत ही अच्छी फोटो 31 अगस्त 2012 को खींची गई थी। इसे सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने खींचा था। इसमें आप सोलर मटेरियल को बाहर निकलता हुआ देख सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोनल मास इजेक्शन या CME। सूर्य में जियोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक चेंज होने की वजह से जब मैटर बाहर की ओर भागता है तो उसकी वजह से हमें यह सोलर फिलामेंट देखने को मिलते हैं। इनकी सूर्य से बाहर निकलने की रफ्तार करीब 900 मील प्रति सेकंड होती है, जो बहुत ही ज्यादा तेज है। मर्क्यूरी। सूर्य के बाद आता है हमारे सौरमंडल का पहला और सबसे छोटा ग्रह यानी मर्क्यूरी। यह सूर्य का चक्कर एक बहुत ही स्ट्रेंज ऑर्बिट में लगाता है, लेकिन इसकी सूर्य से एवरेज डिस्टेंस करीब 3.6 करोड़ किलोमीटर रहती है। वैसे तो मर्क्यूरी ग्रह पर काफी सारे अलग अलग यान भेजे जा चुके हैं, लेकिन इस ग्रह को ऑर्बिट करने वाले पहले यान का नाम था मैसेंजर। इस स्पेसक्राफ्ट ने ही मर्क्यूरी की काफी सारी तस्वीरें भेजी थी, जिनमें से सबसे ज्यादा तस्वीरें क्रेटर्स यानी गड्ढों की थी। यह गड्ढे सौरमंडल के शुरुआती समय में बने थे, जब बहुत सारे पत्थर मर्क्यूरी से आकर टकराए होंगे। हम इस ग्रह पर ऑलमोस्ट हर साइज के गड्ढों को देख सकते हैं। मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ली गई इस तस्वीर में आप वैन आइक नाम के एक गड्ढे को देख रहे हैं, जिसका डायमीटर 270 किलोमीटर है। इसके अलावा मैसेंजर ने इस विशाल क्रेटर की भी तस्वीर ली थी, जिसका डायमीटर 1525 किलोमीटर है और इसे क्लोरिस बेसिन नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस भी गड्ढे का डायमीटर 186 मील या 300 किलोमीटर से ज्यादा होता है, उसे वैज्ञानिक बेसिन कहकर पुकारते हैं। इस गड्ढे की एक खास बात यह है कि इसके चारों ओर पहाड़ियां मौजूद हैं, जिनकी ऊंचाई करीब 2 किलोमीटर है। यह तस्वीरें मर्क्यूरी की सतह की हैं, जिन्हें स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम के एक मेथड से खींचा गया है। इस तकनीकी के जरिए आप किसी भी ग्रह या फिर चांद में मौजूद एलिमेंट का आसानी से पता लगा सकते हैं। इन तस्वीरों को 29 अप्रैल 2015 को खींचा गया था और यह इतनी ज्यादा क्लियर इसलिए है क्योंकि मर्क्यूरी ग्रह के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। वायुमंडल न होने की वजह से फोटो लेने में कोई भी अड़चन नहीं आती है और बिल्कुल क्लियर फोटोज कैप्चर होती है। मर्क्यूरी ग्रह के पास वायुमंडल इसलिए नहीं है क्योंकि सूर्य इसके काफी ज्यादा करीब है। अगर इसके पास कोई एटमॉस्फेयर होता भी तो वह सूर्य की हीट और रेडिएशन से बर्बाद होकर खत्म हो जाता। खैर, मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने 2015 तक मर्क्यूरी ग्रह की करीब 2 लाख तस्वीरें खींची थी। यह इसका चक्कर मार्च 2011 से लगा रहा था और 2015 तक आते आते इसका फ्यूल खत्म होने लगा। अंत में यह मर्क्यूरी ग्रह से ही जाकर टकरा गया, लेकिन टकराने से पहले भी इसने अपनी जर्नी की आखिरी तस्वीरें खींची, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज भी यह इंसानों द्वारा ली गई मर्क्यूरी की सबसे क्लोजेस्ट और क्लियर तस्वीरें हैं। वीनस। मर्क्यूरी के बाद आता है हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट यानी शुक्र ग्रह। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक मौजूद ग्रह है और इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है। जब यह तीनों गैस आपस में मिलती हैं, तो एक बहुत ही खतरनाक मिक्सचर बनता है। अब क्योंकि वीनस ग्रह के पास वायुमंडल है और उस वायुमंडल में यह ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं, इसलिए शुक्र ग्रह का तापमान हमेशा ही काफी ज्यादा रहता है।
अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैसेस होती हैं जो सूर्य से आने वाली गर्मी को ग्रह के अंदर तो आने देती हैं, लेकिन वह गर्मी वापस से अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। इसकी वजह से ग्रह का ओवरऑल तापमान बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग जैसे फिनोमिना होते हैं। वीनस ग्रह पर सही सलामत तस्वीर खींचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट एक लैंडर था जिसे सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था। इसका नाम वेनेरा 13 था, पर यह पहला ऐसा मिशन था जिसमें वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह की कलर्ड इमेजेस मिली थी। इन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे 30 अक्टूबर 1981 में लॉन्च किया गया था और इसके पहले भी रशिया काफी सारे फील्ड अटेम्प्ट कर चुका था। इस स्पेसक्राफ्ट को बहुत ही जटिल इंजीनियरिंग के जरिए बनाया गया था। वीनस ग्रह का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और ऐसे में किसी भी स्पेसक्राफ्ट का ज्यादा समय तक सही सलामत रहना काफी मुश्किल है। वैज्ञानिकों ने इस स्पेसक्राफ्ट को शुक्र पर मात्र 30 मिनट जीवित रहने के हिसाब से डिजाइन किया था, लेकिन यह मिशन यहाँ करीब 2 घंटे तक वीनस की अलग अलग तस्वीरें भेजता रहा। उसके बाद यह पूरी तरीके से नष्ट हो गया। सोवियत यूनियन के बाद नासा भी 1990 में मैजेलन नाम का एक मिशन लॉन्च करता है। इस मिशन का उद्देश्य था पूरे वीनस ग्रह की फोटो लेना और उसका एक मैप तैयार करना। यह शुक्र ग्रह की सतह की काफी सारी तस्वीरें लेता है जिसमें आपको ज्वालामुखी, टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट और तेज चलने वाली हवाओं के एविडेंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको इन तस्वीरों में एक बहुत ही खास चीज देखने को मिलेगी और वो है लावा चैनल्स। जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर नदियां बहती हैं, वैसे ही वीनस ग्रह पर लावा की नदियां बहती हैं और उनसे ऐसे निशान बनते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि इनमें से एक लावा चैनल की लंबाई करीब 7700 किलोमीटर है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली इमेज में आप वीनस ग्रह के एक बहुत ही फेमस ज्वालामुखी को देख सकते हैं जिसका नाम है मार्ट मून्स। यह करीब 5 किलोमीटर ऊंचा है। खैर, अपना काम करने और फ्यूल खत्म होने के बाद मैजेलन भी शुक्र ग्रह से जाकर टकरा जाता है और इस मिशन का वहीं पर एंड हो जाता है। अर्थ, शुक्र ग्रह के बाद आती है हमारी पृथ्वी। यह ब्रह्मांड का ढूंढा गया अभी तक का सबसे यूनिक प्लैनेट है क्योंकि यह इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर हमें जीवन देखने को मिलता है। वैसे तो हमारे पास पृथ्वी की काफी सारी तस्वीरें हैं, लेकिन इनमें से कुछ बहुत ही खास हैं। आप जिस फोटो को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे नासा के द मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर यानी कि MODIS के द्वारा लिया गया है। इसमें आप नॉर्थ अमेरिका को बहुत क्लियर रूप से देख सकते हैं। इसके अलावा चांद भी हमें बैकग्राउंड में बहुत क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है। इस फोटो को पृथ्वी से मात्र 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई से लिया गया था जिसकी वजह से ही ये इतनी ज्यादा क्लियर है। इसके अलावा 14 दिसंबर 2020 को नासा ने पूर्ण सूर्य ग्रहण को अंतरिक्ष से एक वीडियो के रूप में कैप्चर किया था। आप इसमें परछाई को पृथ्वी के ऊपर से मूव होते हुए देख सकते हैं। अब हम आपको पृथ्वी की जो तस्वीरें दिखाने वाले हैं वह शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। इसे 2011 में एक रशियन सैटेलाइट इलेक्ट्रो एल द्वारा लिया गया था। असल में यह तस्वीर रशिया ने नासा को गलत ठहराने के लिए ली थी। रशियन वैज्ञानिकों के मुताबिक नासा ने जो पृथ्वी की तस्वीरें दुनिया के साथ साझा की थी वह पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं थी। जब रशिया ने इस फोटो को दुनिया के सामने रखा तो नासा के वैज्ञानिकों ने यह क्लेम किया कि रशियन सैटेलाइट द्वारा कैप्चर की गई तस्वीर साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं है। अब इन दोनों में से कौन सच बोल रहा था यह हम आम इंसानों के जानने की बस की बात नहीं है। आपको इन दोनों में से कौन सी तस्वीर ज्यादा असली लगती है हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, पृथ्वी की एक और बहुत खास तस्वीर मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई थी। इसमें आप पृथ्वी को उस रूप में देख सकते हैं जैसी वह मर्क्यूरी ग्रह से दिखाई देती है। इस फ्रेम में चांद भी शामिल है और इस फोटो को मैसेंजर ने मर्क्यूरी में क्रैश होने के कुछ ही देर पहले कैप्चर किया था। मार्स। जब से दूसरे ग्रहों पर बसने का आइडिया हमारे पास आया है तब से मंगल ग्रह हमारे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया है। वैज्ञानिक इस पर बहुत तेज और भारी रूप से रिसर्च कर रहे हैं। 20 अगस्त 1975 को वाइकिंग 1 नाम का एक ऑर्बिटर मंगल ग्रह पर भेजा गया था जिसने मंगल ग्रह की एक बहुत ही क्लियर तस्वीर सेंड की थी। इसमें आप मंगल ग्रह के एक रीजन वैलिस मैरिनरीज को बहुत क्लियर रूप से देख सकते हैं। इसके बाद वाइकिंग 2 ऑर्बिटर को मंगल ग्रह पर भेजा गया था जिसने मंगल ग्रह के साउथ पोल और वहां पर मौजूद आइस कैप की तस्वीर कैप्चर की थी। 2013 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हीव्स कैज्मा नाम के एक एरिया की काफी सारी
हाई रेजुलेशन इमेजेस ली थी। यह दरअसल वेलिस मैरिनरीज का नॉर्थ वाला हिस्सा है। आप जिस वीडियो को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह अलग अलग तस्वीरों को जोड़कर बनाया गया था और इसमें आप वेलिस मैरिनरीज को हाई रेजुलेशन में देख सकते हैं। अभी तक मंगल ग्रह पर 5 रोवर भेजे जा चुके हैं। हाल ही में नासा ने परसीवरेंस नाम के एक रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा था और इससे पहले सोजर्नर, स्प्रिट, अपॉर्चुनिटी एंड क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा जा चुका है। इन सभी में से क्यूरियोसिटी रोवर अभी तक सबसे ज्यादा फेमस रहा है और इसने ही मंगल की सबसे अच्छी तस्वीरें भी वैज्ञानिकों को सेंड की हैं। इनमें से ये एक बहुत ही खास तस्वीर है। यह मंगल ग्रह का एक 1.8 बिलियन पैनोरामिक व्यू है जिसे 1200 अलग अलग तस्वीरों को जोड़कर बनाया गया है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि सच में मंगल ग्रह कोई एलियन प्लैनेट है। जुपिटर। अब आते हैं हम अपने सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह यानी बृहस्पति पर। इस ग्रह की तस्वीरें हमेशा ही काफी ज्यादा यूनिक होती हैं, क्योंकि यह ग्रह खुद में ही काफी ज्यादा यूनिक है। इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला रेड स्पॉट है। दरअसल यह एक तूफान है जो बृहस्पति पर पिछले 350 सालों से चल रहा है। यह इतनी बड़ी एरिया में फैला हुआ है कि यहाँ पर पूरी एक पृथ्वी भी समा सकती है। 10 जुलाई 2017 को जूनो स्पेसक्राफ्ट ने इसी रेड स्पॉट की तस्वीर करीब 9012 किलोमीटर की ऊंचाई से कैप्चर की थी। यह इस तूफान की आज तक की सबसे क्लोजेस्ट इमेज है। इसके बाद जूनो स्पेसक्राफ्ट ने इस रेड स्पॉट की एक और तस्वीर ली जो थोड़ी दूर से कैप्चर की गई थी। अगर आप भी जुपिटर ग्रह के पास से गुजरते हैं तो आपको रेड स्पॉट कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। वैसे तो जुपिटर की काफी सारी यूनिक पिक्चर ली जा चुकी हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा यूनिक उसके पोल्स की यह तस्वीर है। ऐसा नजारा पहले वैज्ञानिकों ने कभी नहीं देखा था, क्योंकि हम जुपिटर के पोल्स को किसी भी तरीके से पृथ्वी से नोटिस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वैज्ञानिकों ने जुपिटर के नॉर्थ पोल पर एक और बहुत ही अजीब चीज तस्वीरों के जरिए नोटिस की। आप यहां पर 8 अलग अलग तूफानों को देख सकते हैं जो एक ही सेंटर का चक्कर लगा रहे हैं। इस फोटो को देखकर वैज्ञानिक भी अचंभित रह गए थे। असल में ब्रह्मांड में ऐसे पैटर्न मिलना काफी ज्यादा कठिन चीज है। यह बिल्कुल एक साइंस फिक्शन के नकली ग्रह की तस्वीर लगती है, लेकिन खुशी की बात तो ये है कि यह असली है। इसके बाद 19 नवंबर 2018 को जूनो स्पेसक्राफ्ट ने एक और बहुत ही यूनिक तस्वीर खींची थी। इसमें आप बृहस्पति के बादलों को बहुत पास से देख सकते हैं और इस तस्वीर को देखने के बाद लगता है कि सच में जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे भयानक ग्रह है। इसके बाद 27 जून 2019 को हबल टेलीस्कोप ने भी जुपिटर की एक तस्वीर खींची थी जिसमें आप रेड स्पॉट को बहुत क्लियर रूप से देख सकते हैं। इसके बाद वैज्ञानिकों ने यह बात अनाउंस की थी कि अब धीरे धीरे यह तूफान सिकुड़ रहा है और आने वाले सालों में यह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सैटर्न। सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह के बाद बारी आती है सौरमंडल के सबसे ब्यूटीफुल ग्रह यानी सैटर्न की। इसके आसपास मौजूद रिंग्स इसे काफी ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यह रिंग्स बिल्कुल चिकनी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह दरअसल छोटे बड़े पत्थर होते हैं जो इस ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं और जब इन्हें दूर से देखा जाता है तो ये बिल्कुल एक सपाट रास्ते जैसे दिखाई देते हैं। शनि ग्रह की सबसे अच्छी तस्वीरें कसिनी हुगेंस स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई थीं। इस स्पेसक्राफ्ट ने 21 अक्टूबर 2002 को सैटर्न की यह तस्वीर 28.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी से ली। इसमें आप सैटर्न को हाई रेजोल्यूशन में देख सकते हैं। इसके बाद 27 मार्च 2004 को इसने फिर से शनि की एक तस्वीर ली जिसमें आप शनि ग्रह के असली कलर को देख सकते हैं। यह एक अनएडिटेड इमेज थी, यानी अगर आप कभी शनि ग्रह का चक्कर लगाने जाएंगे तो आपको वह बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। इसके बाद हम जो तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं वह देखकर आप चौंक जाएंगे। इस तस्वीर में सैटर्न बिल्कुल काले रंग का दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके जस्ट पीछे सूर्य मौजूद है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस तस्वीर में शनि बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह दिखाई देता है। ऐसी किसी भी तरह की फोटो को हम पृथ्वी से नहीं खींच सकते हैं। इस फोटो के जरिए वैज्ञानिकों ने शनि के वायुमंडल में मौजूद अलग अलग कंपाउंड्स पर भी रिसर्च की थी। इसके बाद 2004 में हबल टेलीस्कोप भी शनि ग्रह की एक तस्वीर खींचता है जिसमें आप नीले रंग के अरोरा को देख सकते हैं। ऐसा ही कुछ हमारी पृथ्वी पर भी देखने को मिलता है जिसे नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। जब सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल किसी ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तब यह फिनोमेना होता है। पृथ्वी पर ज्यादातर नॉर्दर्न लाइट्स हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन शनि पर यह हमें नीले रंग की दिखाई दे रही है।
इसके बाद 2016 में फिर से कैसिनी हुगेंस शनि की एक तस्वीर कैप्चर करता है। यह तस्वीर इसके नॉर्थ पोल की है और इसमें आप हेक्सागोनल वर्टेक्स तूफान को देख सकते हैं। हेक्सागोनल मतलब होता है सिक्स साइड का कोई शेप और वर्टेक्स का मतलब होता है कोई ऐसा भंवर जो हर चीज अपने अंदर खींचने की शक्ति रखता हो। शनि पर होने वाले इन तूफानों पर वैज्ञानिक काफी सालों से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चल पाया है कि इनकी शुरुआत कैसे होती है। 15 सितंबर 2017 को कैसिनी हुगेंस शनि ग्रह के पास अपनी लास्ट अप्रोच करता है और हमें कुछ आखिरी तस्वीरें भेजता है। इसके बाद यह स्पेसक्राफ्ट सीधे शनि ग्रह के अंदर घुस जाता है और वायुमंडल में ही इसका खात्मा हो जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल वैसे ही जला होगा जिस तरह से मीटियोर हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने के बाद जलते हैं, यूरेनस। अब बात करते हैं हमारे सौरमंडल के सेकंड लास्ट ग्रह यानी यूरेनस की। यूरेनस अपनी एक खासियत के लिए काफी ज्यादा फेमस है और वो ये है कि यह ग्रह टेढ़ा रोटेशन करता है। यह हमारे सौरमंडल का 7वां ग्रह है और इसकी इतनी ज्यादा फोटो हमारे पास नहीं है। इसकी एक फोटो वॉयेजर 2 के द्वारा 1999 में खींची गई थी। इससे 3 अलग अलग कलर फिल्टर्स में खींचा गया था ताकि वैज्ञानिक यूरेनस के अलग अलग पैरामीटर्स पर जांच कर पाए। इसके बाद कैक टेलीस्कोप ने 11 और 12 जुलाई 2004 को इसकी सतह की कुछ तस्वीरें ली थी जिनमें इसके बर्फीले वातावरण को देखा जा सकता था। इसकी भी कुछ तस्वीरें खींची गईं, जिनमें से एक तस्वीर ये थी। इसमें आप पूरे यूरेनस ग्रह को एक ही फ्रेम में देख सकते हैं। आपको यूरेनस पर कुछ ब्राइट स्पॉट दिख रहे होंगे। असल में यह ब्राइट स्पॉट अरोराज है। नवंबर 2011 में हबल टेलीस्कोप ने भी इस ग्रह की एक तस्वीर ली थी जिसमें आप इस नीले ग्रह को तो देख ही सकते हैं और साथ ही में इसकी लाल कलर की रिंग्स भी क्लियर रूप से देखी जा सकती है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ सैटर्न प्लैनेट के पास ही रिंग्स हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। इस फोटो में भी आप यूरेनस के अरोरा को देख सकते हैं। नेपच्यून। अब बारी आती है हमारे सौरमंडल के आखिरी और 8वें ग्रह यानी नेपच्यून की। इस ग्रह के पास से आज तक सिर्फ एक ही स्पेसक्राफ्ट गुजरा है जो नासा का वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट था। इस स्पेसक्राफ्ट ने नेपच्यून की एक तस्वीर खींची थी जिसमें आप एक डार्क स्पॉट को देख सकते हैं जिस तरह से जुपिटर पर एक रेड स्पॉट मौजूद है और वह एक तूफान है। कुछ उसी तरह से यह डार्क स्पॉट भी है। ये भी कुछ और नहीं बल्कि नेपच्यून पर चलने वाला एक तूफान है। इसके बाद वॉयेजर 2 जब नेपच्यून के और भी ज्यादा करीब से गुजरा तो उसने इस तस्वीर को कैप्चर किया जिसमें आप इस ग्रह के बादलों को क्लियर रूप से देख सकते हैं। कुछ साल पहले ही हबल टेलीस्कोप ने भी इस ग्रह की एक तस्वीर को खींचा था। इस तस्वीर को दिसंबर 2020 में कैप्चर किया गया था और आप इसमें नेपच्यून को उसके डार्क स्पॉट के साथ हाई रेजोल्यूशन में देख सकते हैं। क्योंकि हमारी टेलीस्कोप अंतरिक्ष में मौजूद है इसलिए ऐसी तस्वीर खींचना उसके लिए काफी ज्यादा आसान है। पृथ्वी के अंदर से ऐसी एस्ट्रोनॉमी नहीं की जा सकती है, लेकिन नेपच्यून के पृथ्वी से इतनी दूर होने के बावजूद भी यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने इसकी एक बहुत ही क्लियर इमेज ली थी। यह पृथ्वी से खींची गई नेपच्यून की सबसे क्लियर इमेज है। इसे एक बहुत ही बड़ी टेलीस्कोप और स्पेशल नैरो फील्ड एडेप्टिव ऑप्टिक्स मोड ऑफ द मल्टी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सप्लोरर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से खींचा गया था। यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिस वजह से इसका इस्तेमाल पृथ्वी से दूर मौजूद चीजों को कैप्चर करने के लिए नहीं किया जाता। वैसे तो ग्रहों की लिस्ट अब खत्म हो चुकी है, लेकिन हम अपने सौरमंडल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर को भूल रहे हैं। भले ही प्लूटो अब एक ग्रह ना हो, लेकिन फिर भी यह हमारे सौरमंडल का एक अहम हिस्सा है। इसकी सबसे अच्छी तस्वीर न्यू होराइजंस स्पेसक्राफ्ट में लगे लॉन्ग रेंज रिकॉनिसेंस इमेजर द्वारा ली गई थी। इसे 13 जुलाई 2015 को कैप्चर किया गया था और इसके अगले ही दिन फिर से 3 तस्वीरों को कैप्चर किया गया। यह तस्वीरें 3 अलग अलग रेजोल्यूशन में थी। पहली तस्वीर ब्लू रेजोल्यूशन, दूसरी तस्वीर रेड रेजोल्यूशन और तीसरी तस्वीर इंफ्रारेड रेजोल्यूशन में थी। इसके बाद प्लूटो की एक और तस्वीर को खींचा गया जिसमें आप प्लूटो के चांद चेरन को भी देख सकते हैं। इस फोटो के जरिए ही यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्लूटो का चांद उसके साइज के हिसाब से कितना बड़ा है। उसके बाद प्लूटो की यह बहुत ही अच्छी तस्वीर ली गई थी जिसमें आप इसके पहाड़ों और बर्फ से बनी हुई सतह को देख सकते हैं। उन सारी तस्वीरों को जोड़कर ही इस वीडियो को बनाया गया है। इन सब तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हम इंसान स्पेस टेक्नोलॉजी में कितना आगे आ चुके हैं। ये बात तो सच है कि हम इंसानों ने पिछले 200 सालों में काफी ज्यादा प्रोग्रेस की है।
लेकिन आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। हम मात्र प्लूटो की तस्वीर लेकर रुकेंगे नहीं, बल्कि आगे चलकर प्रोक्सिमा सेंटोरी जैसे स्टार सिस्टम्स की भी तस्वीरें लेंगे। इस पर नासा काफी बार चर्चा भी कर चुका है। ऐसा करने में सबसे बड़ी दिक्कत है पृथ्वी और प्रोक्सिमा के बीच की दूरी। यह स्टार सिस्टम हमारी पृथ्वी से 4.26 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और आज की टेक्नोलॉजी और रफ्तार से हमें वहां तक जाने में हजारों सालों का समय लगेगा। लेकिन इस दिक्कत पर काफी सालों की स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका निकाला जिसके जरिए हम प्रोक्सिमा सेंटोरी तक 20 से 25 सालों में ही जा सकते हैं। इस तरीके को कहा जाता है ब्रेक थ्रू स्टार शॉट। इस स्पेसक्राफ्ट के दो मुख्य पार्ट होंगे। पहले पार्ट को सेल कहा जाता है और वह कुछ ऐसा दिखाई देता है। यह मिशन का वह भाग है जो प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार सिस्टम तक जाएगा। इसकी खास बात यह है कि इसे ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो काफी ज्यादा हल्का भी होता है और ड्यूरेबल भी। इस मिशन का दूसरा हिस्सा होता है अर्थ बेस्ड लेजर। यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक पावरफुल लेजर को सेल के ऊपर शूट करता है। यह लेजर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि यह सेल को तेज रफ्तार से एक्सेलरेट करती है। इस लेजर और सेल के सिस्टम के जरिए हम करीब 215 मिलियन किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से प्रोक्सिमा सेंटोरी या फिर किसी भी और स्टार सिस्टम की ओर बढ़ सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी पर भी काम चल रहा है, लेकिन अभी हमारे पास दिक्कत ये है कि हमें लेजर टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा आधुनिक बनाना होगा कि वह इतने प्रकाश वर्ष दूर से भी इस सेल पर पावरफुल लेजर मार पाए। इस बात के काफी हाई चांस है कि यह टेक्नोलॉजी अगले 40 सालों में सक्सेसफुली डेवलप हो जाएगी। उसके बाद हम सिर्फ अपने सौरमंडल के ग्रहों को ही नहीं बल्कि बाकी सौरमंडल के ग्रहों को भी नजदीक से देख पाएंगे। खैर, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।